नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। पटना पुलिस के लिए कल का दिन खास रहा और आपको बताएं कि पटना पुलिस का जैसा परफॉर्मेंस है उसे देखकर काफी आश्चर्य होता है कि राजधानी की पुलिस में आखिर क्या चल रहा है। कल बताएं आपको कि कल डीजीपी साहब औचक निरीक्षण में निकलते हैं और पटना के गांधी मैदान थाने पहुँचते हैं। वहाँ पर जो है रिकॉर्ड संबंधित गड़बड़ी देखने के कारण वहाँ के इंचार्ज को सस्पेंड कर देते हैं और पटना में लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, हत्याएं हो रही है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने आंकड़ों की बात करके इसे टाल दिया। ये आंकड़े देखिए आप। इसके अलावा बताएं आपको हम कि 31 मार्च को पटना पुलिस के ही एक मुंशी दीपक कुमार सिंह को पकड़ा गया, जिसने जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो वाहन लिए गए रहते हैं उनके पैसे रिलीज करने के एवज में 4.5 लाख रुपए घूस की मांग की गई। आपको बताएं कि एक मुंशी आखिर इतना पैसे की मांग कैसे कर सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विजिलेंस विभाग ने जब ट्रैप किया उस मुंशी को, उसके बाद पटना पुलिस जो है वो काफ़ी सतर्क हो गई और एमटी सेक्शन होता है जो कि परिवहन शाखा होता है पुलिस विभाग का, जो कॉन्ट्रैक्ट पर वाहन लिए जाते हैं उनसे संबंधित कागजातों को देखता है। उस पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 8 जो उसमें पोस्टेड पहले के कर्मी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया है। और आपको बताएं कि अब सवाल उठने लगा है कि आखिर इतना बड़ा राशि जो है एक मुंशी कैसे मांग सकता है, जबकि ये विभाग जो है वो डीएसपी के अंडर में जिले में काम करता है। तो क्या इसमें और लोगों की संलिप्तता है या फिर मुंशी जो है दीपक कुमार सिंह वो बस मोहरा था या फिर वैसा व्यक्ति था जो कि कमीशन जो है या रिश्वत जो है वो लेने का काम किसी और के लिए करता था, ये प्रश्न है। हालांकि असलियत क्या है ये जांच का विषय है। आपको हम बता दें कि जो इससे निकल के खबरें आ रही हैं वो आपको हम विस्तार में बताते हैं कि पटना पुलिस के एमटी सेक्शन यानी कि परिवहन शाखा का भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद यहाँ के 8 कर्मियों को आनन फानन में हटा दिया गया। सभी की पोस्टिंग पटना जिले के अलग अलग थानों में कर दी गई थी। ये लोग लंबे समय से एमटी सेक्शन में तैनात थे। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने यह कार्रवाई की। बता दें आपको कि 31 मार्च को ही मुंशी दीपक कुमार सिंह को विजिलेंस की टीम ने 4.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। मुंशी के पकड़े जाने के बाद पुलिस लाइन के ही एक अधिकारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि हाल के दिनों में पटना पुलिस लाइन के कई कर्मियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर विजिलेंस की टीम शुक्रवार को पुलिस लाइन पहुंची, जहां 2 सार्जेंट रैंक के पुलिसकर्मियों जिनमें सोनू कुमार और स्वाति शामिल हैं उनसे पूछताछ की। आपको बताएं कि जिस एमटी सेक्शन को लेकर बवाल मचा है वह पुलिस लाइन के डीएसपी के अधीन होता है। पुलिस लाइन में भाड़े की गाड़ियों का बिल पास करवाने के नाम पर कमीशन का खेल चल रहा था। 15-20% कमीशन की डिमांड की जा रही थी। सिपाही दीपक ने 8 लाख रुपए की मांग गाड़ी भाड़ा पर देने वाली कंपनी के मालिक से की थी। सवाल यह उठता है कि दीपक किसके उसारे पर रुपए लेने गया था। आपको बता दें कि पुलिस लाइन के सिपाही दीपक कुमार सिंह के 4.5 लाख रुपए की घुसखोरी में पकड़े जाने के बाद अंश टूर एंड ट्रेवल्स और क्लासिक ट्रेवलको के कई कारनामे सामने आए हैं। आपको बता दें कि 2019-20 में अंश टूर एंड ट्रेवल्स के साथ पटना पुलिस ने एक इकरारनामा किया था। इस फर्म को पटना पुलिस ने पूर्व में राशि दी थी, लेकिन उसके बाद भी इसके मालिक ने गाड़ी मालिकों को पैसा नहीं दिए थे। इसकी शिकायत अलग अलग गाड़ियों के मालिक पुलिस लाइन के परिवहन शाखा में करते थे। जब कोई गाड़ी मालिक अपने पैसे मांगने के लिए टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक के पास जाता था तो उसके साथ बदसलूकी की जाती थी। कुछ गाड़ी मालिकों ने इन पर केस भी किया था। आपको बता दें कि ये जो 2 ट्रेवल एजेंसी हैं ये क्या करते हैं कि पुलिस लाइन से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट गाड़ियों को उठाते हैं, और आरोप ये लगता है कि इनको पैसा पुलिस विभाग दे देती है लेकिन ये पैसे जो हैं गाड़ी मालिकों को नहीं देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है पटना में पुलिस विभाग में। आपको बताते चले कि ये ऐसा बात नहीं है कि पटना में ही खेल चल रहा है, समय समय पर अलग अलग जिलों में निकल के आती है।
कुछ दिन पहले मोतिहारी में निकल के आया था कि कैसे जो है एक डीएसपी का मुंशी जो है वो ड्यूटी लगाने के लिए जवानों से पैसे की मांग करता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मनचाहा जगह पर ड्यूटी नहीं लगेगा, ऐसे जगह लगा दिया जाएगा जहां पर तुम्हें दिन भर ड्यूटी करना पड़ेगा और मुस्तैद रहना पड़ेगा, और पैसे दोगे तो ऐसे जगह लगाया जाएगा जहां पर आपका रजिस्टर में एक तरह से ड्यूटी पर आप तैनात रहेंगे लेकिन वहां पर उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो तरह तरह के पैसे लेने के खेल चलते हैं, पहले से थाना तो बदनाम है ही कि थाना में पैसे मांगे जाते हैं केस दर्ज कराने के लिए या फिर बचने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए कार्रवाई के लिए सभी तरीकों पर शराबबंदी के आरोप लगते हैं। पटना जिला के ही कई थानाध्यक्ष जो हैं वो शराबबंदी को सह देने के आरोप में उन पर कार्रवाई चल रही है। तो वही बताएं कि अवैध बालू खनन से भी जुड़े हुए कई पुलिस जो थाने हैं उनके पूर्व जो प्रभारी होते हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो ज़रूरत है पुलिस का जो है कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले हुए हैं और वो ऐसा काम करते हैं तो फिर से उन्हें मिड करियर ट्रेनिंग में भेजने की। इसके अलावा एक और बात बता दें, ये तो वैसे लोग हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में जाने के बाद इनके कारनामे बाहर निकल रहे हैं, इन पर आरोप लग रहे हैं। आपको बताएं कि जो अभी नौकरी में जाने वाले हैं, जाने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, गर्दनीबाग में 8415 सिपाही का फिजिकल चल रहा है, और आपको बताएं कि रोज फर्जी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, कल भी पकड़े गए थे, आज भी 12 कैंडिडेट, कल भी 12 कैंडिडेट पकड़े गए, परसों भी पकड़े गए थे, और सबसे बड़ी बात बताएं कि ये जितने लोग पकड़े जा रहे हैं ये सारे के सारे लोग खुद पीटी की परीक्षा में नहीं बैठे थे, किसी दूसरे को पैसा देकर बैठाए हुए थे, जिनकी तैयारी अच्छी थी उन्होंने पीटी में अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये पीटी पास कर गए और फिजिकल देने खुद पहुंचे और बायोमेट्रिक मिलान में पकड़े जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 8415 में, इससे पहले भी ये 11,880 पदों पर बहाली हुई थी उसमें भी 650 के आसपास ऐसे कैंडिडेट पकड़े गए थे। लेकिन यही पटना पुलिस है कि उन छात्रों से पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर उस गैंग को नहीं पकड़ती है जो गैंग ये सारा खेल करता है, मासूम छात्रों को प्रलोभन देता है कि आप आराम से सिपाही बन जाओगे, इतने हजार की नौकरी लग जाएगी, समाज में रुतबा बढ़ जाएगा, शादी जल्दी हो जाएगी, तो प्रलोभन दिया जाता है। और पटना पुलिस में जो खेल चल रहा है, डीजीपी साहब तो अभी एक ही थाने में निकले, एक ही थाने में गए और वहीं पर उनको सस्पेंड करने की ज़रूरत पड़ गई। थानाध्यक्ष को ज़रूरत है कि ऐसे ही जो बड़े अधिकारी हैं विभिन्न थानों में जाएं, पुलिस की कार्यप्रणाली को देखें, और सबसे ज़रूरी है कि मुख्यालय लेवल पर जो नियम बनते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, क्या वो थानों लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट कराया जाता है नहीं, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बिहार के सुदूर जिलों में भी डीजीपी की को जाने की ज़रूरत है। तो अब देखने वाली बात है कि पटना पुलिस का ये भ्रष्टाचार का खेल जो है आगे कहां तक जाता है, इसकी जद में कौन कौन लोग आते हैं, लेकिन उंगलियां जो हैं वो काफ़ी ऊपर तक के अफसरों पर उठ रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।